दिलों के मोहल्ले जाके तेरी मेरी बातें करना, जहां भर के बातें बोले तेरी मेरी बातें करना, हो झोंके झोंके हवा के लाए दोनों को बहा के है, बने देखो हम शर्माए एक दूजे के है, एक दूजे के हाथों की लकीरों का तय था मिलना। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और मैं सनत पटेल आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। हमारा छत्तीसगढ़ हुनर से भरा पड़ा है, बस एक चीज नहीं मिल पाती और वो है सपोर्ट। यहाँ के लोगों के पास टैलेंट तो है, पर टैलेंट का सही दिशा दिखाने वाले लोग नहीं है। कुछ साधनों की कमी की वजह से तो कुछ चंद पैसों की वजह से हुनर चार दीवारियों में ही उठ कर रह जाती है। टैलेंट को निखारना, टैलेंट की इज्जत करना, उन्हें वायरल करना, और अगर उनमें रियल टैलेंट है तो उन्हें आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आपने छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की ऐसी आवाज तो सुनी है जो सीधे दिल में उतरती है, जिनकी आवाज में जादू है, जिनकी आवाज उस शिखर तक जाना चाहती है जहां से हमारा छत्तीसगढ़ और हम सब कह सके कि हम छत्तीसगढ़वासी हैं। जी हां, आपने जो वीडियो देखा ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक छोटे से गाँव की है। इस छोटी सी गुड़िया का नाम है शांति नागेश। मुझे तो इसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें। वो कहते हैं कि जब आवाज़ दिल से निकलती है तो बहरों को भी सुनाई देती है, और आप तो सब विद्वान हैं, अच्छे लोग हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के इन छुपे हुए हैरत अंगेज कलाकारों के प्रति, हुनर के प्रति आपका क्या कर्तव्य है, आप क्या कहना चाहते हैं हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास भी छत्तीसगढ़ के ऐसे हुनरबाजों की कोई वीडियो क्लिप हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। क्या पता आपका एक कदम, आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। देखते रहिए द छत्तीसगढ़। राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।